तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि मस्त होंगे। तो आज करने वाले हैं लॉइन कॉन्सेप्ट के ऊपर फोटो एडिटिंग। आप लोगों को बिल्कुल सेम एडिट करके दिखाने वाला हूं, जैसे लग रहा है मैं लॉइन के साथ ही खड़ा हूं। ठीक है गाइस, कैसे कैसे मैंने सारा कुछ एडजस्ट किया है एंड लॉइन के उस पार मैंने कैसे अपने बॉडी को ऐड किया है, ठीक है सारा कुछ बताऊंगा। इतना HD मैंने कैसे किया है, ठीक है, एंड बैकग्राउंड कहाँ से मिलेगा, लॉइन वगैरह कहाँ से मिलेगा, कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल सिंपल एडिट है, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सिखा दिया हूँ, बस फॉलो कीजिएगा मेरे एडिटिंग को, ठीक है। तो एक बार ओरिजिनल पिक देख लीजिए। ओरिजिनल पिक ये रहा हमारा, जो कि बाइक पे हम लोगों ने पोज दिया, ठीक है, एंड ऐसा ही आप लोग पोज दे दीजिएगा। ये रहा एडिट वाला, तो बिल्कुल सेम करके दिखाने वाला हूँ। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइए ये वाला फोटो आप लोग को कैसा लगा। तो बिना देर किए चलते हैं वीडियो की। तो दोस्तों ये रहा मेरा ओरिजिनल पिक, ठीक है, मैंने बाइक के सहारे कुछ अलग ही पोज दे दिया है एंड ये पोज जो है सेलेक्ट हो गया है हमारे लिए, ठीक है गाइस। तो ऐसा पोज मैंने 2-3 दिया, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये वाला जो है सेलेक्ट हो गया। तो अच्छे तरीके से आप लोग कोई अच्छा लोकेशन देख के शूट कर लीजिएगा, देख लीजिए कितना मस्त जो है एडजस्ट हो गया है बाइक के साथ एंड हमारे लॉइन के ऊपर भी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। इसको सबसे पहले क्या करेंगे देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एक भी पॉइंट को छोड़िएगा मत, ठीक है गाइस। बस वीडियो में बने रहिए, कमाल कमाल का ट्रिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। इसको सबसे पहले शेयर करते हैं ऑटोडेस्क एप्लीकेशन, जो कि स्केचबुक है, ठीक है, इसका ओल्ड नाम जो है ऑटोडेस्क है। तो ये आप लोगों को प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, एंड इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये फोटो हमारा जो है इसके अंदर चला जाएगा। तो इसको सबसे पहले स्मूथ कैसे करेंगे, और स्मूथ करने से पहले आपका फोटो जो है ब्लैक होगा तो जाके थोड़ा सा स्नैपशीट के अंदर साफ कर सकते हैं, ठीक है। एंड इतना होने के बाद सबसे पहले ब्रश को देखते हैं कौन सा हमें ब्रश यूज़ करना है। तो ऊपर की तरफ देखते हैं, ये रहा ब्रश का ऑप्शन जो है, दरवाज़ा खोल देंगे, दुकान ही खुल गया पूरा ब्रश का। अब इसमें कौन सा ब्रश यूज़ करना है, ये वाला ब्रश यूज करेंगे एंड इसका सेटिंग देख लीजिए, ठीक है गाइस। सेटिंग जो है इसको 4% रखेंगे फ्लो को, तो ध्यान दीजिएगा एक एक चीज़, और ये 10% सही है, और ये 4%, और साइज अपने हिसाब से फ्री साइज रहता है, ठीक है। तो मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ कुछ एंड अपने फेस को जूम करेंगे, और सबसे ऊपर से स्टार्ट किया जाता है स्मूथ करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात कि सबसे ऊपर से स्टार्ट किया जाता है स्मूथ करना। तो अब देखिए कितना अच्छे तरीके से स्मूथ हो रहा है, और जिस तरह हमारा फेस का टेक्सचर होता है ना गाइस, उसी टाइप से स्मूथ ब्रश को चलाया जाता है और बिल्कुल आराम से स्मूथ किया जाता है, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है गाइस। स्मूथ वाला वर्क बिल्कुल आराम से कीजिए ताकि आप लोगों का फोटो अंत तक HD रहे और हार्ड लगे, ठीक है, क्योंकि यार जब तक हमारा फेस ही सही नहीं रहेगा तो फोटो अच्छा नहीं दिखेगा। तो देख लीजिए कितना मस्त तरीके से, और एक और बात कि जहाँ पे साइज छोटा करके ब्रश को यूज करना है वहाँ पे बिल्कुल साइज को छोटा कीजिए, ठीक है, और जहाँ पे बड़ा करके यूज करना होता है वहाँ पे बड़ा कीजिए, ठीक है, पूरा ब्रश का भरपूर फायदा उठाइए। देख लीजिए कितना अच्छे तरीके से स्मूथ हो रहा है, जूम करके कीजिए, और जिस तरह हमारा फेस का टेक्सचर है नोज वगैरह है उसी तरह सीधा सीधा ब्रश को चलाएंगे, गोल गोल नहीं घुमाना है, बात को ध्यान में रखिएगा। देख सकते हैं कितना अच्छा जो है फेस स्मूथ हो चुका है। अब क्या करना है गाइस, मैं जल्दी जल्दी स्मूथ कर देता हूँ, नहीं तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को भी दिक्कत होगा देखने में, ठीक है, तो जल्दी से स्मूथ कर देता हूँ। तो गाइज हमारा फोटो जो है गैलरी के अंदर आ चुका है अच्छे तरीके से स्मूथ करके, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया एंड करके बताया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर। ये कौन सा ऐप है आप लोगों को मालूम चल जाएगा, जिससे मैं बैकग्राउंड कटआउट करता हूँ, बहुत ही बेस्ट ऐप है, ठीक है। तो इसी के सहारे मैं अपना बैकग्राउंड कटआउट है जो करता हूँ, ठीक है, तो ये रहा, तो इसके अंदर शेयर करते हैं। तो यार यहाँ पे हमारा नेट जो है ओपन रहना चाहिए तभी ये वर्क करेगा, थोड़ा सा फास्ट भी रहना चाहिए ये, जब तक बैकग्राउंड कट आउट हो रहा है। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइए ये वाला फोटो आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा बैकग्राउंड जो है कटआउट हो चुका है। अब यहाँ पे कितने भाई लोग क्या करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं, इसको करते हैं, ये दोनों में नहीं करना, ठीक है, डाउनलोड इसको करना है। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट, जिसके बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, ठीक है, एंड इसको क्या करना है, कैसे डाउनलोड करना है, ऊपर की तरफ देखिए एक आइकन मिल जाएगा आप लोगों को, उस पर क्लिक कर दीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा, सेव टू गैलरी कर दीजिएगा, ठीक है, एंड इसके ऊपर आ जाता है यार फोटो रूम का आइकन, ठीक है।
तो उसको कैसे हटाना है आप लोगों को बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो इतना ही का ज़रूरत है, हमारा बैकग्राउंड कटआउट हो गया है, ठीक है। एंड इसको क्या करेंगे, अब मेन अपना जो लॉइन वाला जो है ये गाइस बैकग्राउंड, इसको लेके चलते हैं पिक्सआर्ट के अंदर, अपने बॉडी को पीछे एडजस्ट करेंगे और पूरा ये वाला टोन लाएंगे, इतना HD फोटो को एडिट करेंगे ताकि इंस्टाग्राम पे बवाल हो जाए एंड लाइक तो लगातार गिरे, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड को ऐड कर देता हूँ। तो गाइस यार ये रहा हमारा बैकग्राउंड, इसको शेयर करेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, ये भी आप लोगों को ऐप प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, जाके सर्च कीजिएगा, ये रहा, ठीक है, देख लीजिए अच्छे तरीके से। एंड इसके अंदर इसको शेयर कर देते हैं। अब यहाँ पे बहुत भाइयों का कमेंट रहता है कि भाई पिक्सआर्ट के अंदर हमारा क्वालिटी जो है डाउन हो जाता है, तो उसके लिए भी उपाय है, ठीक है गाइस। तो नीचे की तरफ देखिए टूल्स वाला ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा, तो सबसे पहले उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड फोटो को पूरा फुल HD बरकरार रहने के लिए इसका एक उपाय जो है कर देते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ देखिए रिसाइज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे कुछ अलग ही नंबर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5000 लिख देंगे, ठीक है, तो जिससे फोटो का साइज नज़र आएगा लास्ट पिक्सल, ठीक है। तो नीचे की तरफ देख सकते हैं 30 और 98 लिखा हुआ है, तो 30 और 98 कर देंगे तो फोटो हमारा जो है बैकग्राउंड रिसाइज हो चुका है, देख सकते हैं कितना HD है, ठीक है। आप लोगों को कैसे मिलेगा बैकग्राउंड वगैरह PNG वगैरह जो जो यूज़ किया हूँ, वीडियो में बने रहेंगे तभी मालूम चलेगा, ठीक है, मैं कहीं भी बता दिया हूँ। अब क्या करेंगे बैकग्राउंड को थोड़ा सा पतला करते हैं काट के, तो टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करके क्रॉप पे क्लिक करेंगे और हल्का सा साइड से काट देंगे एंड इधर से भी काट देते हैं। अब ये थोड़ा सा लंबा हो गया तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगेगा। अब क्या करेंगे अपने बॉडी को जो बॉडी हमारा जो कटआउट किया है बैकग्राउंड उसको ऐड कर देते हैं ऐड फोटो पे क्लिक करके, एंड ऐड फोटो पे क्लिक कर देते हैं, गैलरी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और ये रहा हमारा जिसको हम लोगों ने बैकग्राउंड कटआउट किया था, तो इस पर क्लिक कर देंगे, ऐड फोटो पे क्लिक कर देंगे। और ये नीचे की तरफ देखिए फोटो रूम का आइकन जो है शो हो रहा है, तो इसको कैसे इरेज करेंगे, सिंपल है गाइस, क्रॉप पे ऑप्शन पे क्लिक करके और इसको क्रॉप कर देंगे तो वो हट गया। अब ये हमें बैकग्राउंड में कैसे एडजस्ट करना है बिल्कुल आराम से देखिए ये वाला चीज़, ठीक है, नहीं तो यार आप लोग इसको मिस कर देंगे तो फोटो हमारा हार्ड नहीं होगा, तो ध्यान रखना है। यहाँ पे बॉडी जो है अच्छे से एडजस्ट हो गया, यहाँ पे इसका ऑपसिटी जो है कम कर देंगे, कम करने से हमारा जो लॉइन का बॉडी दिखाई देगा, ठीक है, तो उसके ऊपर का पार्ट मतलब अपना बॉडी जो है उसके ऊपर का पार्ट जो है उसको इरेज कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर की तरफ देखिए इरेजर का ऑप्शन है, आप लोग तो जानते ही हैं, तो सिंपली उस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे देखिए इरेजर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और हार्डनेस यहाँ पे फुल कर देना है पूरा, नीचे की तरफ देखिएगा हार्डनेस लिखा हुआ, इसको 100% कर देना है। एंड इसका साइज़ देख लीजिए कितना है, लगभग मैं अपने इरेजर के मतलब इरेज करने के हिसाब से साइज़ रख देता हूँ, ठीक है, तो साइज छोटा करके और इसको इरेज कीजिएगा, ठीक है, ऊपर का पार्ट देख लीजिए कितना अच्छे तरीके से जो है इरेज हो रहा है। तो इसी टाइप से आप लोगों को भी करना है एंड ये यहाँ पे इसको भी इरेज कर देना है अच्छे तरीके से। अब देखिए गाइस हमारा बॉडी जो है लॉइन के बैकग्राउंड में चला जाएगा, तो देखिए अच्छे तरीके से चला गया और लग रहा है कि हम लोग इसके सहारे खड़े हुए हैं, ठीक है। इसी टाइप से आप लोग कीजिएगा एंड इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगेगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। अब देखिए अच्छा से बैठ गया एंड इतना होने के बाद गाइस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेव कर देना है, ठीक है। अब थोड़ा सा फेस के ऊपर वर्क कर देते हैं और पूरा फुल HD करने को बताऊंगा आप लोगों को, बस वीडियो में बने रहिए, वीडियो लंबा नहीं है। क्या करना है गाइस, नीचे की तरफ स्लाइड कीजिएगा, रिटच का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, तो सिंपली उस पर क्लिक कर देना है एंड नीचे की तरफ काफ़ी सारा आप लोग को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो हमें यूज़ करना है हेयर कलर को, तो यहीं पर बगल में मिल जाएगा हेयर कलर, तो उस पर क्लिक कर देना है एंड फर्स्ट में देखिए पूरा कलर का दुकान ही पड़ा हुआ है, तो उसको खोल देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे रेड कलर जो है सेलेक्ट कर लेंगे और पूरा सिचुएशन फुल कर देंगे एंड राइट के आइकन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद क्या करेंगे, ये हमारा हेयर जो है रेड हो जाएगा, तो हमें हेयर रेड नहीं करना है, ठीक है, अपना लिप्स रेड करना है। तो ऊपर की तरफ देखिए बैक का हेयर हुआ है, तो उस पर क्लिक कर देंगे और नीचे की तरफ देखिए मैनुअल का ऑप्शन है, तो उस पर क्लिक कर देना है एंड अपने लिप्स को जो है जूम करना है। यहाँ पे क्वालिटी थोड़ा सा डाउन दिखाएगा बट सेव करने के बाद सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आराम आराम से नीचे वाला लिप्स जो है उसको रेड कर देंगे हल्का सा, ठीक है। और अगर जो आप लोग गर्ल का फोटो एडिट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा दोनों लिप्स को रेड करना है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, सिचुएशन पूरा फुल रखेंगे एंड अमाउंट अपने फोटो के अकॉर्डिंग रख देंगे, ठीक है। लगभग मैं 30 के आसपास रखता ही हूँ, तो इतना ही मैं रख देता हूँ एंड इतना होने के बाद राइट के आइकन में क्लिक करके सेव कर देंगे। अब ध्यान देते हैं अपनी आँखों में, थोड़ा सा लॉइन वाला लेंस लगा देते हैं येलो कलर, ठीक है। तो हेयर कलर के बगल में ही देखिएगा आई कलर का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते ही ये जूम करके अपना आई जो है सेलेक्ट कर लेगा
एंड इतना होने के बाद इसको अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। और अब हमारा आँख का जो ब्लैक वाला पार्ट है ना गाइज, उससे छोटा हल्का सा छोटा लेंस लगाएंगे, ठीक है। तो इरेजर पर क्लिक कर देते हैं, हार्डनेस फुल कर देते हैं और साइज छोटा कर दीजिएगा। इतना होने के बाद ऊपर का पार्ट जो है इरेज कर देते हैं, जो फालतू पार्ट है उसको इरेज कर देते हैं और इसमें भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। एंड इतना होने के बाद राइट के आइकन पर क्लिक करके और अपना लेंस जो है अच्छे से एडजस्ट कर देना है। करने के बाद इसको भी अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। अब कौन सा लेंस हमें सेलेक्ट करना है, नीचे की तरफ स्लाइड कीजिएगा इस पर टैप करके, तो येलो वाला ये मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक येलो हो जाएगा। देख लीजिए पूरा लॉइन वाला हमारा जो है आई लेंस लग चुका है। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। एंड इतना होने के बाद क्या करेंगे, राइट के आइकन पर क्लिक करके सेव कर देंगे। हमारा फेस अब बेस्ट दिखने लगा, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। अब क्या करेंगे गाइज, अपने हैंड के अंदर रोज़ को पकड़ाएंगे। तो रोज़ पीएनजी के लिए क्या करना है, स्टिकर वाला ऑप्शन के अंदर आ जाना है, ध्यान रखिएगा यहीं से मिलेगा रोज़ वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च करेंगे ROSE, ठीक है, मीनिंग सही रहना चाहिए, कोई भी पीएनजी अवेलेबल है हमारे पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पर सर्च कर देंगे, ठीक है। तो गाइज यार यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा पीएनजी जो है आप लोगों को शो हो जाएगा। एंड नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, ये वाला रंगीन वाला जो पीएनजी है इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, इस पर क्लिक कर देते हैं। और ये जब तक डाउनलोड हो रहा है प्लीज़ एक शेयर तो बनता है, नहीं तो उसके नीचे एक और ये ग्रीन वाला दिख रहा है इसको ऐड कर देते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगेगा। अब क्या करना है गाइस, इसको अपने हैंड के पास जो है जूम करके लगा देना है। कैसे एडजस्ट करना है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंड इसको क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से अच्छे से एडजस्ट कर देंगे अपने हैंड के अंदर। इतना पे कर देता हूँ, ठीक है। और करने के बाद इरेजर पे क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा ऑपेसिटी डाउन कर देते हैं, इरेजर पे क्लिक कर देंगे और हार्डनेस, इरेजर पे क्लिक करने के बाद हार्डनेस पूरा फुल रखिएगा और फिंगर के ऊपर का पार्ट जो है इरेज कर देना है, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, कुछ इतना करके। एंड इतना होने के बाद क्या करेंगे, इसका ऑपेसिटी फुल कर देंगे। अब देखिए बेस्ट लग रहा है हमारे हैंड के अंदर रोज़, ठीक है। तो इसी टाइप से आप लोग कर दीजिएगा। एंड इतना होने के बाद राइट के आइकन पर क्लिक करके सेव कर देंगे, ठीक है गाइस। अब सेव होने के बाद मैं दो पीएनजी और ऐड कर देता हूँ, जो एक पायरेट वाला था एंड एक ईगल वाला था, ठीक है, यानी एक बाज था एक हमारा तोता था, ठीक है। तो हैंड के ऊपर एडजस्ट करने के लिए ऐड कर देता हूँ ऐड फोटो पर क्लिक करके। एंड बैकग्राउंड को अभी लाइट देंगे, तो कैसे लाइट दिया जाता है साइड से वाइट लाइट, वो भी आप लोगों को बताऊँगा। तो गाइज यार देख सकते हैं दो पीएनजी जो है मैंने ऐड कर दिया है। ये ईगल वाला जो पीएनजी आप लोगों को कैसे मिलेगा सारा कुछ अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर कर दे रहा हूँ। आसानी से पूरा फुल एचडी डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ वैसे, ठीक है। एंड इसको क्या करेंगे, अपने इस वाले जो कंधा है उसकी बॉडी के ऊपर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, एक साइड। और ये जो तोता वाला पीएनजी है इसको क्या करेंगे, हैंड के ऊपर नीचे की तरफ एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इतना होने के बाद क्या करना है, फ़ोटो को सेव कर देना है, ठीक है। सेव होने के बाद गाइस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नीचे की तरफ स्लाइड कीजिएगा, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर हमारा वर्क जो है ख़त्म हो चुका है। अब देखिए ड्रा टूल के अंदर आके थ्री डॉट पे क्लिक करके और सेव कर लीजिएगा फ़ोटो को, ठीक है, यहीं से सेव कीजिएगा ताकि HD हो। अब हमें एक क्लिक में पूरा फ़ोटो का लुक जो है चेंज करना है, तो क्या करेंगे गाइस, इसको शेयर कर देंगे Lightroom एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो हमारा सबसे फेवरेट ऐप जो है Lightroom है और पिक्सआर्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर शेयर कर देते हैं। तो जब तक शेयर हो रहा है अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा से कमेंट कीजिए, आप लोग का कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए, ठीक है गाइस। तो कमेंट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अब आ गए हम Lightroom एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेम करेंगे, कैसे क्या करना है, तो ये रहा प्रेसेट, ठीक है। तो प्रेसेट को कैसे यूज़ करना है अभी आप लोग को बता रहा हूँ। तो गाइस यार ये रहा हमारा प्रेसेट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारे स्टॉक का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को खोलिएगा, सबसे नीचे जाइएगा, स्टॉक लिखा होगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ड्राइव खुल जाएगा, वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप लोगों को तो यार मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके मुझे वहाँ से मेरा नंबर वगैरह है, तो वहाँ से मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी सेटिंग कर लेंगे और नीचे वाला आइकन जो है इसको भर देंगे, और कुछ नहीं करना है। एंड इतना होने के बाद ऊपर की तरफ देखिए राइट का आइकन है, उस पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा जो है प्रेसेट कॉपी हो गया। अब चलते हैं जिस पिक को एडिट करें उसके ऊपर, यहाँ पे क्या करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करके और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
उसमें किया था कॉपी, इसमें किया था पेस्ट। अब देखिए कितना अच्छा और बेस्ट लग रहा है डार्क, ठीक है। एंड इतना होने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा विगनेट की कमी लग रही है तो विगनेट थोड़ा सा दे देते हैं। एंड इतना होने के बाद क्या करेंगे, फोटो को सेव कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम एडिट करके आप लोग को दिखा दिया। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।